नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं रुपये से नहीं मिला, उसकी बच्ची से नहीं मिला, खालू से नहीं मिला, मैं सबसे मिला हूँ। रुपये को तो आपने ब्लॉग में देखा भी होगा, जब जिस दिन मैं रुहान की मैं कार लेके आया तो उसमें थे, एंड उसके बाद मैं और भी मिला, बच्चों को गिफ्ट भी ला के दिया। हाँ, ब्लॉग वगैरह मैंने उस चीज़ का शूट नहीं किया, एंड खालू से भी मिला हूँ, खालू भी उसी दिन मिला, उसी वक्त मिला। इनफैक्ट उनका पूरा डॉक्टर के पास भेजा, उनका चेकअप कराया पूरा उनको, क्योंकि वो जब पैदल से आए थे वो थोड़ा सा उनको गिर गए थे, उनके रिब्स में बहुत पेन था, तो पूरा चेकअप कराया। हाँ, इन सब चीज़ों का मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं किसी से मिला नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, और ऐसा मत सोचिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मैं शो करूँ कि अच्छा है, ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है। जब मेरा मन करता है, जितना मेरा मन करता है, मैं उस चीज़ को दिखा देता हूँ, जितना मेरा मन करता है तो मैं उस चीज़ को क्लोज उतना रखता हूँ कि नहीं यार अभी नहीं शूट करना मैं ब्लॉग, ठीक है। कंटेंट पे वर्क करूँ, क्या वर्क करूँ, क्योंकि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, मैंने सबसे आप सबसे यही बोला था कि मैं अपने ब्लॉग में अपनी लाइफ जो है वो दिखाने की कोशिश करूँगा, और वही मैं दिखाता हुआ आया हूँ। कभी मैंने कंटेंट के लिए स्पेशली चीज़ें क्रिएट नहीं करी हैं। हाँ, कभी कभी हम लोग बाहर जब जाते हैं फैमिली के साथ तो मस्ती करते हैं, प्रैंक्स कर लेते हैं, वो चीज़ें कभी कभी क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा मैं अपनी लाइफ को कभी वैसे क्रिएट करके कॉन्टेंट नहीं बनाऊँगा। और जैसे जैसे अपनी अपनी ज़िंदगी में होता है, कभी एक्साइटिंग दिन होते हैं, कभी बोरिंग डेज होते हैं, कभी अच्छा होता है, कभी कुछ नहीं होता, और यही रीज़न है कभी कभी ब्लॉग में चार चार पाँच पाँच नहीं डालता हूँ कि ठीक है कोई नहीं, आदमी को रिलैक्स करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं प्रेशर नहीं देता हूँ। हाँ, लाइफ में जो चल रहा है अप्स एंड डाउन, अच्छा बुरा, वो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। बट थैंक यू। आप सभी को मालूम होगा कि काफ़ी टाइम से सबा के साथ रुकैया और उनकी बेटी उमैमा आई हुई हैं, और यहाँ तक कि रिजा रेहान के पापा भी आए हैं कतर से। लेकिन अभी तक सबा और शोएब इब्राहिम के व्लॉग में शोएब और दीपिका को मिलते हुए नहीं देखा गया। जब फैंस ने किए शोएब से सवाल कि आप अपने रिश्तेदारों से क्यों नहीं मिलते, तब शोएब ने बताया कि वो मिलते हैं और मिले भी काफी बार, लेकिन वो व्लॉग में शूट नहीं कर पाए। शोएब का ये भी कहना है कि वो रुकैया से भी मिले और उनकी बेटी से भी, और उनकी बेटी उमैमा के लिए भी वो गिफ्ट लेकर आए। आप सभी जानते होंगे कि कुछ दिनों पहले शोएब इब्राहिम रुहान के लिए काफी सारे गिफ्ट लेकर आए थे, तो तब वो उमैमा के लिए भी लेकर आए। शोएब ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि वो अपने रिश्तेदारों से अच्छे से मिलते हैं। दीपिका शोएब इब्राहिम के व्लॉग बहुत कम आते हैं, सबा के बार बार आते हैं, तो सबा अम्मी के घर में भी बार बार आती जाती रहती है, इसलिए वो हर बात व्लॉग में शूट कर लेती है। सबा भी एक बेटों की तरह ही अपना हक अदा कर रही है। तो आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि रुकैया और उसकी बेटी शोएब दीपिका के घर में है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएगा। आपसे जा चाहते हैं वीडियो पसंद है, लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।